जी हेलो, हेलो। गुड इवनिंग सर, कुलदीप पांडे जी से बात हो रही है? सर, जी बोल रहे हैं, बता दिया। मैं कुलदीप शुक्ला बोल रहा हूँ। मेरा भी कोइंसिडेंट आपका, हमारा नाम सेम है। जी, भैया बताएं। मैं शहर पश्चिमी पत्रकार हूँ, शायद आप जानकारी ना हो इसलिए बता रहा था। अच्छा भैया, तो अभी आपके जॉर्ज टाउन में जो FIR दर्ज हुआ आपके ऊपर, मेरा FIR एप्लीकेशन जॉर्ज टाउन में किया गया था। तो FIR मेरा दर्ज दरअसल SSP जी के कहने पे हुआ है, और वो भी नाम कर्नल रूम में हुआ है। सर SSP का, उनका नाम क्या है? अच्छा। वही दीक्षित है, दीक्षित करके। तो पूरा नाम उनका नहीं जान रहा, कोई दीक्षित है। और इनका क्या कहते हैं कि यहाँ मेरा कर्नलगंज में FIR दर्ज हुआ। अच्छा, तो वो नहीं, लेकिन पब्लिक सिटी में ये हो रहा है कि मतलब कि आपको जानबूझ करके आप ये बयान दे रहे हैं, इसलिए लगातार आप फेमस होने के लिए उतरा कर रहे हैं। नहीं देखिए भैया, वो जानबूझ के बयान देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप उस मैटर को देखे होंगे, नहीं, वो तो मैंने पढ़ा, आपने जो बोला आप है पढ़े हो, अगर कुछ गलत है तो फिर ये होता है ना कि भाई आदमी फेमस होना चाहता है। नहीं, आपने तो मान लिया अपने हिसाब से सत्ता है, लेकिन समाज के लिए जैसे आपने ये भाई उनको भी चाहने वाले मुलायम सिंह जी का नाम छोटा थोड़ी है उसमें। नहीं, मुलायम सिंह जी का नाम बहुत बड़ा है, मुलायम सिंह जी का सम्मान बहुत बड़ा है, हर चीज है। लेकिन लेकिन क्या होता है ना कि किसी किसी का क्या कहते हैं नाम बड़ा होने से उस व्यक्ति का विरोध करना बंद कर दे कोई, ये गलत। अभी आप विरोध आज आज मोदी मोदी जी का नाम बहुत बड़ा है, लेकिन ये सब गरियाते रहते हैं, तो इसका मतलब कोई है। ये थोड़ी होता है कि भाई ये सब नाम कमाने के लिए मोदी जी गरिया रहे हैं। अभी एक बयान जो आपका वो भी आया था विनोद सोनकर के लिए भी आपने बोल दिया था। वो तो भैया एकदम, मैं खुल के आप कहिए, मैं उनके मुंह पे बोल दूं। मुझे मुझे उस बयान पे, उस टिप्पणी पे, हर एक शब्द पर, मतलब हर एक शब्द पर गर्व है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर मेरे समाज और मेरे क्या कहते हैं कि मेरे धर्म पर, मेरे ब्राह्मणत्व पर कोई टीका टिप्पणी करेगा, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। हाँ, बात अभी आपको मैंने वीडियो देखा, आपने वीडियो शेयर किया था, बताया भी कि ये है वो वीडियो जिसमें उन्होंने कहा ये बात। जी, तो किसी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अन्य समाज के व्यक्ति को हमारे समाज के ऊपर टीका टिप्पणी करने की और हमारे समाज के ऊपर व्यंग कसने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इतने बड़े पद पर रहने के बाद ऐसी नीच बात करते हैं, तो क्या कहते हैं कि अगर कितना दिन ब्राह्मण शांति से सुनेगा, आप बता दीजिए। ये बताइए, आपने कभी किसी दलित को गाली दिया हो, या किसी दलित को आपने कभी कुछ उल्टा सीधा बोला अपने जीवन में? बिल्कुल सही, लेकिन जो आप आज जान मौत नहीं मिलेगी मुलायम सिंह को, ऐसा मतलब तो ये इस तरह का शब्द क्यों है? तो आसान मौत नहीं मिलेगी, शब्द सिर्फ ये है कि जो इतने, मतलब जो राम मंदिर जैसे कृत्य को, मतलब जो इतने 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 बड़े मुद्दे को, जो हिंदुत्व वाला मुद्दा रहा है, ये इनका सौभाग्य था कि बाद में मुख्यमंत्री कई बार बने हैं, वो अलग चीज है। लेकिन लेकिन इतने बड़े मुद्दे को और सीधा सीधा नरसंहार कराना, मतलब आप नहीं मानते कि आपने कुछ गलत कहा? आप हाँ नहीं मानते कि कुछ गलत कहा आपने? नहीं भैया, इसमें इसमें ये बताइए कि अभी अभी लोग ये बोलते हैं कि क्या कहते हैं मोदी का ये हो जाए, मोदी का वो हो जाए, मोदी क्या कहते हैं कि ऐसे हैं, मोदी वैसे हैं। तो वो चीज नहीं है। मैंने क्या कहता, कोई कामना नहीं की। मैंने मैंने अपने धर्म के हिसाब से मैंने इनका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद मैंने इनका निष्कर्ष लिखा। हमारा धर्म कहता है ना कि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपका विकास होगा। नहीं तो अभी अभी आप किसी पंडित के पास चले जाइए, अपने धर्म गुरु के पास चले जाइए, आप पूछिए कि महाराज जी, मैं ऐसे ऐसे गलत कृत्य करता हूँ, मेरा क्या परिणाम है? ये तो आपने सर झलक रहा है कि आप कहीं ना कहीं ना बीजेपी के साथ है ना समाजवादी पार्टी के साथ है, आपने सिर्फ हिंदुत्व के साथ दिया, इसमें झलक रहा है। क्योंकि अगर समाजवादी ने गलत किया तो आपने उसके लिए बोला, और विनोद सोनकर ने गलत बोला तो उनके लिए आपने बोला। भैया देखिए क्या होता है ना कि मैं सिर्फ एक ही चीज के साथ में हूँ, जो सही रहेगा मैं उसके साथ रहूंगा, चाहे राजनीति रहे चाहे ना रहे, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। मुझे बनाने वाला मेरा माई बाप जो है ना, वो यहाँ वो आज तक में पता नहीं कितने नेताओं को उन्होंने खड़ा किया,
तो मुझे यहाँ के लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या चाहते हैं। और हम भैया 4 साल से राजनीति कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, आप सबका आशीर्वाद इतना है कि क्या कहते हैं 4 साल के बाद में आज आप सबके आशीर्वाद से किसी 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 से किसी का परिचय का मोहताज नहीं रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 10 साल पहले सर आपका शहर पश्चिमी में हर जगह पोस्टर भी था, कुलदीप पांडे सिर्फ एकदम नॉर्मल नाम था, कोई जान भी नहीं पा रहा था। अभी तो लोग ये कह रहे हैं मतलब सर अगर आप आगे राजनीति करना चाहते हैं तो आप हिंदुत्व लेके चलेंगे, क्या मुस्लिम भाई और दलित भाइयों से क्या आपको वोट नहीं चाहिए? नहीं देखिए, मैं हिंदुत्व की राजनीति कर रहा हूँ, तो मेरा हिंदुत्व कहने का अर्थ मैं फिर वही आपको बता रहा हूँ। आपने जैसे शब्द का प्रयोग किया कि मैं क्या कहते हैं आपने भाजपा के भी विरोध किया और आपने जो गलत किया मुलायम सिंह जी का भी विरोध किया है, तो मेरा सरल सा स्वभाव है, मेरे बहुत मुस्लिम मित्र हैं, मेरे बहुत मुस्लिम मित्र हैं और वो मुझे पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। मैं ईद मनाता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कहते हैं कि कौन क्या सोचता है, ठीक है। मैं हिंदुत्व की बात सिर्फ इसलिए करता हूँ, मेरा हिंदुत्व तो बोलने का अर्थ यह नहीं कि मैं मुसलमान का विरोध करने की बात कर रहा हूँ। तो आप 2022 की तैयारी तो नहीं कर रहे कहीं ना कहीं? नहीं भैया, मैं 2022 की कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। अगर संगठन टिकट देता है तो हम हैं, नहीं देता है तो हम नहीं है। हमको कोई तैयारी करना और तैयारी करने के उद्देश्य से भैया ये सब शब्द, अगर तैयारी करने के उद्देश्य से आदमी अगर लड़ना करना चाहेगा ना, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बोलने चाहिए था कि आपको मतलब आपको लोग गलत यूज ना करें, आपको मार्केट जो नया मैसेज जो आ रहा है कि मतलब पब्लिक सिटी के लिए आप कर रहे हैं वो नहीं जाना चाहिए। भैया देखिए, क्या पब्लिक सिटी के लिए अगर हम कर रहे होते तो इतने साल शांत थे, आज जब राम मंदिर बनने जा रहा है आज हमने क्यों इतनी ये टिप्पणी की? हमने सिर्फ टिप्पणी इसलिए की क्योंकि इनकी एक टिप्पणी मेरे दिमाग में, मतलब मैं जिस समय में इन्होंने टिप्पणी किया था मैं बहुत छोटा था भाई साहब जी, मैं जब तक जीवित रहूंगा राम मंदिर नहीं बनने दूंगा। लेकिन मैं एक शब्द में बहुत ज्यादा विश्वास रखता हूँ कि हर व्यक्ति का दिन आता जी, अच्छा तो उस विश्वास के नाते मुझे वो शब्द याद थे और मैंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया कि आप आज भी जिंदा हो और आज राम मंदिर की नींव पड़ने जा रही है। अच्छा वो ऐसी बात करें जो ओवैसी ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री जी को वहां नहीं जाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ओवैसी जी लोग जो है ना, ओवैसी ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा ही करना क्या कहते हैं कि इस देश में देश विरोधियों का बढ़ावा देना, देश विरोधी का मेरा अर्थ फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं मुसलमानों को विरोधी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ओवैसी मुस्लिम है। इनकी जो नीति है कि जो सिर्फ एक बार बैठते हैं तो मुस्लिम समाज करते हैं, ये नीति इनकी सही नहीं। जितना जितना विकास भारतवर्ष में मुसलमान समाज का हुआ है उतना विकास मुसलमान समाज का पाकिस्तान में नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, उतना विकास मुसलमान समाज ने बांग्लादेश में नहीं किया है जी। वो मैं कभी ना मुस्लिम समाज के विरोध में था, ना हूँ और ना भविष्य में रहूंगा। मैं कभी भी जाति विरोधी राजनीति नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ जो हिंदुत्व से ईर्ष्या करता है तो मैं उसका विरोधी रहूंगा भाई। जिनको जिनको हिंदुओं से कष्ट है, जिनको हम लोगों से कष्ट है, मैं उनके पक्ष में नहीं रह सकता। हाँ, जो व्यक्ति मुझे प्रणाम करता है, जो व्यक्ति मुझे नमस्कार कर रहा है, जो मुझे सलाम कर रहा है, मैं उनको सलाम करता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है। अंत में जो होता है ना, मैं कभी कभी अपने मतलब मैं अक्सर भाषण में वो बात रखता हूँ कि हिंदुत्व के बाद मानवता आती है, तो सब मानवता में ही सब गिनती होती है, सब चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे क्या कहते हैं कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो सब मानवता में आ जाता है। चलिए कुलदीप पांडे जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके।